नमस्कार, मैं हूं कनिष्का रेक्सवाल और स्वागत है आपका एबी स्टार के बॉलीवुड धमाल में। शुरू करते हैं पहली खबर से, जहां खतरों के खिलाड़ी 11 में शनिवार को रोहित शेट्टी एक ट्विस्ट लेकर आए। शो की शुरुआत हुई 3 कंटेस्टेंट को बुलाकर जिन्हें किसी दूसरे की वजह से बाहर होना पड़ा था। ये कंटेस्टेंट विशाल आदित्य सिंह, आस्था गिल और सौरभ राज जैन थे। विशाल आदित्य सिंह ने शो में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन पार्टनर टास्क में निक्की नंबोली के परफॉर्मेंस नहीं करने से उन्हें बाहर होना पड़ा था। सौरभ राज जैन को अर्जुन बिजलानी के केक कार्ड का इस्तेमाल करते हुए नॉमिनेट कर दिया था। आस्था गिल जब बाहर हुई तब एक टीम टास्क किया गया था, जिसमें श्वेता तिवारी ने आस्था गिल को स्विमिंग टास्क के लिए भेजा, जबकि उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी। अब ऐसे में रोहित शेट्टी ने तीनों कंटेस्टेंट को एक और मौका दिया और बताया कि इसे पूरा कर वे दोबारा शो में वापस आ सकते हैं। तीनों कंटेस्टेंट को जो टास्क दिया गया उसे विशाल ने पूरा कर लिया और इस तरह उनकी शो में वापसी हो गई, जबकि सौरभ और आस्था को बाहर होना पड़ा। उनके वापस आने से सबसे ज़्यादा खुश श्वेता तिवारी और वरुण सूद थे। दोनों के साथ विशाल की अच्छी बॉन्डिंग है। वहीं सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने खुशी जताई। अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स मामले में शनिवार की शाम को एनसीबी ने उनके घर से ड्रग्स बरामद की। इस दौरान उनके घर से ड्रग्स जब बरामद हुई, अरमान कोहली के अलावा ड्रग पेडलर अजय राजू सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शनिवार की शाम को एनसीबी ने मुंबई के अंधेरे स्थित अरमान कोहली के घर से ड्रग्स बरामद की। उनके घर से कोकेन मिला। इसके पहले एनसीबी ने क्षेत्रीय निर्देशक ने बताया कि छापेमारी के बाद अरमान कोहली सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्हें एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बिग बॉस 15 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिग बॉस ओटीटी खत्म होने के बाद ये शो अब टीवी पर शुरू होगा। कई वजहों से ये पहले भी बज क्रिएट कर चुका है। अब शो का नया प्रोमो सामने आया है, वहीं जिसे देखकर पता चला है कि इस बार ट्विस्ट देखने को मिलेगा। प्रोमो में सलमान खान पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, जबकि रेखा की आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है। वे बताती हैं कि इस बार घर वालों को ये जंगल पार करना होगा, तभी उनकी बिग बॉस का एंट्री होगी और उनके लिए उसके बाद ही बिग बॉस का दरवाज़ा खुलेगा। वीडियो में सलमान खान जंगल में हैं और वह बिग बॉस का घर खोजते हैं। रेखा को सलमान विश्व सुंदरी कहकर पुकारते हैं। वीडियो को कलर्स टीवी के आधारित सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया गया है। साथ ही कैप्शन में लिखा, संकट इन जंगल, फैलेगा दंगल पे दंगल, क्या आप रेडी हैं बिग बॉस 15 के लिए? शो शुरू होने की तारीख का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। बॉलीवुड की खूबसूरत करीना कपूर खान भले ही लंबे अरसे से किसी फिल्म में नहीं आई हों, लेकिन इंस्टाग्राम पर बेबो हमेशा एक्टिव रहती हैं। ऐसे में अपनी गर्ल गैंग के साथ करीना कपूर ने तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसे फैंस ने काफ़ी पसंद किया। करीना ने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में करीना के साथ करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, मलाइका भट्ट और अमृता अरोड़ा नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में खास बात यह है कि सभी सितारों का ड्रेसिंग स्टाइल एकदम अलग अलग दिखाई दे रहा है। तस्वीर के साथ करीना ने कैप्शन में लिखा, माय फेवरेट गर्ल्स। बता दें कि करीना इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव नजर आती हैं। करीना के फोटोज और वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। कुछ वक्त पहले करीना मालदीव्स गई थी, तब भी उन्होंने कई वीडियोस और फोटोज शेयर किए थे जो इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हुए थे। Z5 की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज पवित्र रिश्ता 2 का फास्ट टीजर आखिरकार आज दर्शकों के सामने रिलीज हो गया है। अंकिता लोखांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर पवित्र रिश्ता के डिजिटल वर्जन का पहला टीजर शेयर किया है। अंकिता लोखांडे ने टीजर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, लव तो होगा ही इन द एयर, जब मानव और अर्चना हैं उनके साथ प्यार की यात्रा में शामिल हैं जो जल्द ही आने वाला है। साथ ही उन्होंने हैशटैग डाला, इट्स नेवर टू लेट। रिलीज हुए ट्रेलर में मानव और अर्चना के साथ लव स्टोरी बॉन्डिंग की झलक दिखाई दी। मानव के लुक में शाहिर शेख और अर्चना के लुक में अंकिता लोखांडे शानदार लग रहे हैं। वीडियो में दोनों की पहली मुलाकात, शादी और आगे की कुछ जर्नी दिखाई दे रही है। दोनों के बीच
एक अच्छी केमिस्ट्री हर फ्रेम में खूबसूरत दिखाई दे रही है। अंकिता द्वारा शेयर किए इस वीडियो पोस्ट पर फैंस एक बार फिर से बता दें कि फैंस एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को याद करके कमेंट कर रहे हैं। कलर्स टीवी का डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 पॉपुलर शोज में से एक है। अलका याग्निक और कुमार सोनू शो में मेहमान बनकर पहुंचे। दोनों ने एक से एक बढ़कर हिट गाने गाए। ऐसे में उन्होंने शो में अपनी आवाज में गाने गाए और अलग ही रंग शो में भर दिया। डांस दीवाने 3 को माधुरी दीक्षित, धर्मेश और तुषार कालियां जज करते हैं। माधुरी और अलका का बॉलीवुड में खास कनेक्शन जुड़ा हुआ है। दोनों को फिल्म तेजाब से लोकप्रियता मिली थी। फिल्म में मोहिनी बनी माधुरी ने अपने अदाओं से सबका दिल लूट लिया था। इस फिल्म का गाना 1 2 3 सुपरहिट हुआ जिससे अलका ने गाया था। अब शो में जब दोनों ही साथ में थे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह परफॉर्म ना करें। माधुरी ने स्टेज पर धमाकेदार परफॉर्मेंस भी दी। इस दौरान उन्होंने नीले रंग का खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ था। माधुरी दीक्षित डांस दीवाने के सेट पर तीसरी वीडियो भी वायरल हो रही है और माधुरी दीक्षित अक्सर इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग रील्स बनाती दिखाई देती हैं। चलते हैं हमारी आखिरी खबर पर, जहां एक यूजर ने लिखा, हॉटस्टार ने बाबर पर अपनी वेब सीरीज के खिलाफ शिकायतों को खारिज कर दिया है। दावा किया है कि वे इस्लामी आक्रमणकारी का महिमा मदन नहीं कर रहे हैं। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, क्या आपने किया? आपको बता दें कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप हॉटस्टार वेब सीरीज एम्पायर के विवादों में जुड़ी है। ट्विटर पर #uninstallhotstar ट्रेंड कर रहा है। ये शो मुगल साम्राज्य के शासक बाबर पर आधारित है। फैंस इस शो के लेकर आलोचना कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 के तहत अधिकारियों को इस सीरीज को लेकर शिकायत मिली थी कि सीरीज बाबर को ग्लोरीफाई कर रही है, लेकिन अधिकारियों ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि सीरीज बाबर को ग्लोरीफाई नहीं कर रही है। हॉटस्टार ने दावा किया है कि वेब सीरीज में कुछ भी विवादित नहीं है। बॉलीवुड की ऐसी ही कुछ खास खबरों के लिए जुड़े रहिए एबी स्टार के साथ। नमस्कार।